हेलो एवरीवन, आईआईटी एंड ट्रेडर फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कल वेडनेसडे के दिन मार्केट कैसा रह सकता है और कैसी इसकी चाल हुई है आज, और कल क्या ये चाल ऐसे ही तेज हो सकती है। तो पूरी जानकारी वीडियो के अंदर मिलने वाली है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है, सभी चीज़ें इसके अंदर, क्योंकि अब मार्केट की चाल शुरू हुई है तो अब क्या हो सकता है यहाँ से वो जानकारी मिलेगी। तो अब चलते हैं वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए। यहाँ पे फ्री स्टॉक मार्केट की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट बना दी गई है, जाकर के ये देख सकते हो और ये यहाँ से सीख सकते हो कि कैसे काम कर सकते हैं इसमें। तो अब चलते हैं चार्ट के ऊपर। चार्ट पे सबसे पहले हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मार्केट है ज़्यादा, मतलब उठापटक नहीं मचाई है, लेकिन मार्केट इस कैंडल के ऊपर, हमने बात की थी कि इसके ऊपर जाता है तो यहाँ से बाइंग कंडीशन अपनी एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखो, यहाँ पे कल भी बार बार में करके गए थे कि नीचे से प्राइस रिजेक्शन मिल रहा है बार बार में, तो यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना ही चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ से RSI भी है, वो ओवरसोल्ड रीजन से ऊपर के साइड में चलना शुरू कर गया है, और RSI का डाइवर्जेंस भी है, सारी चीज़ें यहाँ पे सपोर्ट कर रही हैं। सपोर्ट के पास में है, नीचे से प्राइस रिजेक्शन मिल रहा है, कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हो रहा है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल रहा है, RSI डाइवर्जेंस दिखा रही है, पांच चीज़ें नीचे से कंफर्म कर रही हैं कि ऊपर जाएगा, तो फिर भाई क्यों नहीं जाएगा, आपको पोजीशन में डर क्यों लग रहा है। तो यहाँ पे अब देखो, पोजीशन बना ली होगी आपने, तो अब कल भी क्या कर सक क्या 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 हो सकता है इसमें। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा 15 मिनट पे आपको दिखाना चाहूँगा कि 15 मिनट पे आप देखो कि ये जो जोन है, यहाँ पे ये जो जोन बनी हुई है, यहाँ पे आप दिख रहा होगा कि ये जो एक छोटा सा अब एक रेजिस्टेंस एरिया है, हमने कल भी बात की थी कि 17,125 इसका रेजिस्टेंस जोन होगा। अब इसको यहाँ से निकालता है, देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन कर चुका है, अब यहीं नीचे ओपन होकर के ज़्यादा नीचे ना जाए और यहाँ से सीधा ऊपर निकालता है, तो फिर इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा ये वाली जो लाइन है अपनी, यहाँ पे 17,175 और फिर 17,175 और 17,225, ये इसके एक 17,175 से लेकर के 17,225 वाला जो जोन है, ये ऊपर वाला, ये एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा रजिस्टेंस जोन बन जाएगा, तो इसके अंदर कल अटक सकता है मार्केट। तो यहाँ से ये एक पैटर्न बना हुआ है। अब अगर यहाँ से नीचे भी आता है, मान लीजिए नीचे भी आता है, यहाँ से नीचे की तरफ शुरू करता है, तो इस लेवल के नीचे आना चाहिए, 17,075 के नीचे ये आना शुरू करता है, तो हो सकता है कि फिर ये वापस इस जोन को, 17,025 तक की जोन को वापस रिटेस्ट करने के लिए आ जाए, यहाँ से नीचे चलना शुरू करेगा, तो हो सकता है कि यहाँ आ जाए और फिर यहाँ से कोई बुलिश कैंडलस्टिक बने और फिर वहाँ से घूमने के बाद में वापस इसके पास जाए, कंसोलिडेशन करने के बाद में फिर से इस लेवल को निकालता है, तो भी बहुत अच्छी मूवमेंट मिलेगी। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपको यहाँ पे ओपन हो मार्केट और फिर या 10-5 मिनट रुकने के बाद में सीधा ऊपर के साइड में निकालता है तो बाई करना है। और अगर मान लीजिए यहाँ से थोड़ा सा ये जो लेवल बना हुआ है, ये वाली लाइन है, इसको नीचे, जो कि 17,075 है, इसको नीचे की साइड में, इस रेंज में ओपन होने के बाद में नीचे की साइड में कट करता है, तो फिर यहाँ पे सेल का ट्रेड बनेगा और इसका टारगेट यहाँ तक होगा 17,025 तक, और यहाँ पे आने के बाद में कोई बुलिश कैंडलस्टिक बनाता है तो वापस ऊपर के लिए बाइंग का कंडीशन बनना चाहिए, बाइंग का ट्रेड बनना चाहिए। तो ये इसके अंदर लेवल्स हो गए। अब मैं 15 एक दिन के ऊपर ले जाके बताता हूँ कि इसमें बड़े टारगेट कब होंगे। तो सबसे यहाँ पे आपको देखना होगा कि ये जो जोन है 17,225, ये जब निकाल देगा ना, फिर इसके अंदर कोई रोकने वाला नहीं रहेगा, यहाँ पे फिर ये ऊपर के साइड में ये वाले टारगेट इसके अंदर 17,500 वाली रेंज में जाने के लिए तैयार हो जाएगा ये, क्योंकि ये जो चैनल है इसको देखिए आप, ये चैनल है इसको देखिए, यहाँ से कंटिन्यूसली सेम चैनल को ही फॉलो कर रहा है और ये चैनल के अंदर नीचे बन चुका है, अब इस चैनल की साइड में, ऊपर की साइड में जाने के पूरे पूरे चांसेज है इसके अंदर। तो ये निफ्टी के चार्ट के अंदर मैंने आपको क्लियर कर दिया कि किस प्रकार से मूवमेंट हो सकती है, इंट्राडे में भी आप कर सकते हो और जो आपका स्विंग है वो भी कर सकते हो, 5-7 दिन के लिए लेके भी रख सकते हो। अब यहाँ पे आ गए हम बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। मेरा गला थोड़ा सा खराब हो रहा है क्योंकि एक वायरस चल रहा है, उस वजह से सबके लग रही है गला खराब हो रहा है, तो थोड़ा सा उसके लिए मैं सॉरी फील कर रहा हूँ। तो अब चलते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। बैंक निफ्टी में भी देखिए कि हमने बात की थी कि प्राइस है बार बार में नीचे से रिजेक्शन ले रहा है, जो यहाँ पे RSI है वो भी डाइवर्जेंस ले रही है, और सपोर्ट जोन भी है, यहाँ पे सपोर्ट जोन में भी है और कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन ही है, चार कन्फर्मेशन ऊपर के साइड में बोल रही है ट्रेड बनाओ, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है इसमें।
अब यहाँ से देखोगे तो अब मार्केट चलना शुरू हो गया है और इसके अंदर रुकने वाली कोई कंडीशन है नहीं, अब सीधा यहाँ पे ही जाएगा। इसका टारगेट 40,350 और फिर 40,350 के बाद में 40,500 के करीबन इसका रेजिस्टेंस जोन होगा, इसमें मिलेगा इसको रेजिस्टेंस। अब ये कल कैसे मूवमेंट कर सकता है इंट्राडे में, ये मैंने लॉन्ग टर्म के बता दिए। अब इंट्राडे में कैसे कर सकता है, देखो ये एक जोन है, यहाँ पर आपको ये जोन दिख रही होगी, ये एक स्विंग था यहाँ पर, ये एक स्विंग था, ये जोन था, इसको यहाँ पे मार्केट ने ओपन करके यहाँ पे क्रॉस किया है ऊपर के साइड में। अब हो सकता है कि मार्केट कल ये ऊपर को कट ना करे और इस स्विंग को नीचे की साइड में टच करने के लिए आ जाए, ये स्विंग है, ये वाला स्विंग इसके पास में यहाँ पे टच करने के लिए आ जाए और फिर यहाँ से आने के बाद में ये जो स्विंग वापस से बना हुआ है पहले का ये वाला स्विंग इसको निकालता है ऊपर की साइड में, तो इसमें काफ़ी अच्छी मूवमेंट होगी, यहाँ पर फिर इसका टारगेट होगा। तो ये एक ऊपर की साइड में मैंने बताया कि ऐसे हो सकता है, लेकिन अगर मान लो नीचे भी आए ये, तो ये जो स्विंग बना हुआ था ये वाला स्विंग इसके नीचे आता है, ये जो लाइन है ये 39,650 है, इसको नीचे की साइड में कट करता है, तो हो सकता है कि फिर 39,400 तक भी आ जाए कल के टाइम पे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि ये आ सकता है, लेकिन ऊपर जाने के चांसेस इसमें पूरे पूरे होंगे, क्योंकि ये जो स्विंग है आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि ये जो स्विंग बना हुआ है ये काफ़ी अच्छा एक रेजिस्टेंस जोन था। यहाँ पे देखोगे तो इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे, और फिर आज इंट्राडे में इसके पास में जाकर के फिर थोड़ा नीचे आया, फिर वापस कट किया है उसको और ऊपर क्लोज करके गया है। तो इतना बड़ा रेजिस्टेंस को ऊपर कट करके क्लोज करके भी चला गया है, तो हो सकता है कि रेजिस्टेंस को टच करने के लिए आए। अब इसमें ट्रेड कैसे बनाना है आपको, एक तो ये लाइन हो गई, इसके पास में आए और फिर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडलस्टिक बनती है तो तुरंत वहाँ पे आपका ट्रेड बनना चाहिए और उसका टारगेट होगा छोटा टारगेट, ये वाला स्विंग है वो टारगेट होगा और बड़ा वाला टारगेट यहाँ पे होगा। दूसरी एंट्री है वो कब बनेगी, यहाँ पे ही ओपन हो जाए, मान लो इस रेंज के अंदर ओपन हो जाए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, और फिर इसमें घूमने के बाद में ऊपर के साइड में कट करता है तो वहाँ पे आपका ऊपर का ट्रेड बनना चाहिए और यहाँ पे टारगेट होंगे आपके। अब अगर मान लीजिए इसको नीचे की साइड में कट कर देता है और 10-15 मिनट रुक जाता है तो फिर ये इसके पास में भी ये आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे आने के बाद में कोई बुलिश कैंडल बनाए, मार्केट नहीं गिरेगा, अब यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाता है तो आपका ट्रेड ऊपर के साइड में बनना चाहिए, सेल साइड का ट्रेड नहीं बनाना इसके अंदर, बाई साइड का ही ट्रेड बनाना है। तो ये मैंने आपको बैंक निफ्टी का चार्ट भी समझा दिया एकदम, इसके अंदर भी चार कंफर्मेशन बन रही है, ऊपर के साइड में सपोर्ट जोन है, कैंडलस्टिक पैटर्न बने हुए हैं और यहाँ पे रिजेक्शन भी मिल रहा है और जो RSI है उसका डाइवर्जेंस भी ऊपर के साइड में है, तो ऊपर के ही यहाँ पे पूरे पूरे चांसेज हैं। अब ऊपर में इसके अंदर भी देखोगे तो आप यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये बड़ा रेजिस्टेंस यही आकर के इसको यहीं पे आकर के इसको मिलने वाला है, तो ये एक फाइनल टारगेट हो जाएगा और हम इस वीक के अंदर फाइनल में डिस्कस भी कर लेंगे कि यहाँ पे आने के बाद में कैसा ये कर सकता है। तो कल के लिए यहाँ तक हो सकता है कि ये जो लाइन बनी हुई है अपनी, ये जो जोन है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस जोन का यहाँ पे 40,425 से लेकर के 40,500 तक की ये जो जोन है, इस जोन के अंदर ये काम इसका टारगेट आ सकता है। यहाँ पे हम जो एक लास्ट के अंदर एक पूरी निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की स्लाइड है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर पूरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क किए हुए हैं, पूरे वीक के लिए वैलिड है, इनको भी आप नोट करके रख सकते हो। और यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मीनिंग मैंने क्लियरली समझाया हुआ है कि सपोर्ट के पास में कोई बुलिश कैंडल बनती है तो बाई करो, रेजिस्टेंस के पास में कोई बियरिश कैंडल बनती है तो सेल करो, ठीक है। तो इनके हिसाब से आप काम कर सकते हो। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जीरोधा या एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन कीजिए और अपनी ट्रेडिंग की जर्नी की शुरुआत कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।